ऐसा है कि देवघर पहुंच चुके हैं और यहाँ से बाबा का जो मंदिर है लगभग 2 किलोमीटर का दूरी है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। भीड़ नहीं है, इसमें से अधिकतर लोग है कि सोमवार को जल वल धारना है, सोमवार को जल बाबा को अर्पित करना है कि निकाह आज का है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिवगंगा, शिवगंगा में स्नान करेंगे। और तो शिवगंगा का भी अलग कहानी है। कहानी ये है ना कि रावण को जब लघु शंका लगा था, उन्हें शंकर जी को जब अपने ले के आ रहा था, लघु शंका लगा था उसको, तो जब लघु शंका कर लिया तो शुद्धि के लिए जल चाहिए उसको, तो क्या करता वो, तो अपना मुष्ठी का प्रहार से, मुष्ठी मतलब हाथ, शुद्धि के लिए जल चाहिए होता है, जल मिलता नहीं है तो गुस्सा से वो धरती को मतलब धरती पे मारता है, वहाँ से जल निकलता है। तो इसका ये कहानी है शिवगंगा का। और ऐसा लोग मानता है, कहता भी है कि शिवगंगा में नहाने से शरीर का जितना भी बीमारी है ना दूर हो जाता है। देवताओं के वो वैद्य थे अश्विनी कुमार, मतलब ऐसा कहानी है मतलब कि उनके शरीर में भी बहुत सारा बीमारी था, तो जब वो नहाए शिवगंगा में तो उनके शरीर की सारी बीमारी ठीक हो गई। तो ये है कहानी, शिवगंगा की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। और सबसे पहले लोग वहीं पे जाता है, नहाएगा, फिर संकल्प कराएगा, जो जल हम उठाए हैं, संकल्प कराने के बाद फिर बाबा पे ये जल अर्पित होगा। तो बने रहें। अब हम लोग हैं शिवगंगा की ओर, बस थोड़ा सा दूर है, बस कांवड़ रखना है, नहाना है, संकल्प कराना है, शिवगंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद निकलेंगे बाबा की ओर को जल अर्पित करने के लिए, बस जगह मिल जाए कांवड़। मलमास चल रहा है जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम है, और इस बार जो लाइन लगाया गया है, जो जहाँ से पूल स्टार्ट होता है ना वहीं से लाइन लगा हुआ है, मतलब लाइन है ही नहीं है, एकदम पूरा खाली है। पूजा आराम से हो जाएगा, जल हमको लगता है आधा घंटा में हम जल ढार लेंगे, ज़्यादा देर नहीं करते हुए एकदम देखिए सब कोई आगे, एकदम कोई भीड़ नहीं है एकदम। तो अगर सावन में रहते तो सावन में ना जिग जैग होके करना पड़ता है आगे, एकदम 3-4-5 किलोमीटर जाके लाइन लगना पड़ता है, तो बड़ा दिक्कत होता। चलिए भीड़ होगा कल, आज है संडे इसलिए भीड़ नहीं है, संडे भी है, मलवास भी है इसलिए भीड़ नहीं है। कल जो भीड़ होगा, कल पूरा भीड़ होगा। अच्छा, भीड़ है कम इसलिए यहाँ पे ये राउंड नहीं मारा जा रहा है, तो कल होगा इस पे। पहुंच गए हैं हम लोग, तो अब क्या करना है, गंगा का जो जल है उसको खोल देना है। बोलबम बोलबम बोलबम, चलिए बोलबम 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 बोलबम
बोलबम बोलबम पहुंच गए बम बोलबम 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 चलिए बम बोलबम चलिए बम बोलबम 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 अभी पूरा खाली है और ये खाली का होने का कारण भी है, बताना नहीं है क्यों खाली है, पता है सबको। हम लोग जा रहे हैं ऐसे अभी पार्वती जी पर जल ढारने के लिए। मंदिर पहुंच गए। अरे लोग पीछे से ढकेलिए मत जी, इतना मत ढकेलिए। कोई बात नहीं सर, दूसरा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।